दोस्तों इस वीडियो में आपको भोपाल सिटी के जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे आपको ले चलूँगा और आपको टोटल खर्चा भी कितना आएगा आपका यह भी आपको बताऊँगा। इस वीडियो में आपको वाटरफॉल ले चलूँगा और आप शेर को इतने पास से देख पाएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद आपको बोटिंग कराऊँगा जहाँ पर आप बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। अगला प्लेस होगा हमारा स्नैक पॉइंट जहाँ पर आप दुनिया के सभी स्नैक को देख पाएंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा टॉर्टोस पॉइंट जहां पर आप कछुआ को देख सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फिश पॉइंट जहां पर आप रंगीन मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। और भी हमारे कई सारे पॉइंट हैं जिनको हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भोपाल सिटी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर आप बाई ट्रेन से आ सकते हैं, बस के द्वारा आ सकते हैं या फिर आप बाई एयर के द्वारा भी आसानी से यहां पर आ सकते हैं। मैं बाई ट्रेन से आया हूं कानपुर से भोपाल जिसका टिकट है 395 है स्लीपर का। दोस्तों इस समय मैं आ गया हूं स्टेशन के बाहर, यहां पर सबसे पहले फ्रेश होंगे फिर तैयार होकर चलते हैं घूमने के लिए। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप यहां पर अपनी कार पार्क कर सकते हैं जिसका चार्ज आप देख सकते हैं 4 घंटे का चार्ज है यहां का 20 रुपये। घूमने से पहले सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। भोपाल शहर का पोहा बहुत फेमस है, आप जब भी यहां पर आएँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम लोग चलते हैं भोपाल के प्लेस देखने। सबसे पहले हम चलेंगे बड़ा ताल, यहाँ से आप सिटी का नज़ारा देख सकते हैं जहाँ से आप पूरा भोपाल सिटी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप फोटो या वीडियो बना सकते हैं जिसका व्यू बहुत अच्छा आएगा। अगला प्लेस है हमारा बोट राइडिंग का, जो बड़ा ताल से मात्र 600 मीटर आगे आपको वन विहार की ओर जाते समय देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर इसके चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके चार्ज, हर बोट का चार्ज यहाँ पर अलग अलग है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बोट ले सकते हैं और बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग के बाद दोस्तों जब आप वन विहार की ओर चलेंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखेंगे जिन्हें देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटरफॉल, जिसे यहाँ की सरकार ने कृत्रिम रूप से बड़ा ताल के पानी से निर्मित किया है जो आपको अलग ही लुक देगा यहाँ का। यहाँ पर आप फोटो या वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे वन विहार के अंदर और वन विहार के अंदर चल के आपको वहाँ के सीन दिखाते हैं, तो आइए चलते हैं वन विहार के अंदर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वन विहार के गेट के पास। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे टिकट, जो यहाँ के टिकट के रेट हैं ये सभी के लिए अलग अलग हैं। यानी अगर आप पैदल जाते हैं उसका अलग रेट है, साइकिल से जाते हैं उसका अलग रेट है, बाइक से जाते हैं उसका अलग रेट है, या फिर अगर आप ऑटो करते हैं उसका अलग रेट है। आप यहाँ पर रेट का प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों हमने ली है ई साइकिल जिसका चार्ज है 30 रुपये पर व्यक्ति। हम वन विहार इस साइकिल के द्वारा ही घूमेंगे और आपको वहां का दृश्य दिखाते हैं। आइए चलते हैं वन विहार के अंदर। आप चाहें तो ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं, बाइक भी कर सकते हैं, यहां पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आप जैसे थोड़ा यहां से आगे चलेंगे सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी लाइन के ओ, यहां पर हम आपको लाइन को दिखाते हैं। आप इन्हें बहुत ही पास से देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको स्नैक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। स्नैक पॉइंट में दुनिया के सारे सांप आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको सारे सांपों को।
यहाँ से दोस्तों जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको वहाँ पर कछुआ देखने को मिल जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के कछुए। इसके आगे जब दोस्तों आप 200 मीटर आगे चलेंगे तो आपको फिश पॉइंट नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आप मछलियों को देख सकते हैं। इसी तरह के दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब भी भोपाल जाएं एक बार इन प्लेस को ज़रूर देखना। दोस्तों यह ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं एक अगले और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।